हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा चैल में सेकंड डे है। ये देखिए, वाव, सुबह उठते ही मुझे ये ब्यूटीफुल व्यू नजर आया। मैंने होटल की बालकनी से जब बाहर देखा तो बहुत ब्यूटीफुल व्यू बन रहा था। मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए। सुबह उठते ही हमारा प्लान बना कि इस विलेज को एक्सप्लोर किया जाए। ये कानो विलेज है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो देखते हैं, चलिए अब हमारे साथ देखते हैं क्या है इसमें। ये रास्ते के साथ साथ आप व्यू का भी एंजॉय करते जाइए। ये हिमाचल में ना ये छोटे छोटे सी पगडंडियाँ बनाई होती है जाने के लिए ना, एक गांव से दूसरे गांव जैसे भी जाना हो तो ये छोटे छोटे से रास्ते बनाए होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, चलते चलते हमें ये टमाटर के खेत भी मिले। यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। इस खेत में आप देख रहे होंगे कि ये लकड़ियों की काफ़ी सारी डंडियाँ लगाई हुई हैं, और ये इसलिए लगाई है कि ये टमाटर की बेल ना इस पर चढ़ाते हैं ताकि टमाटर खराब ना हो। ऊपर हमें टमाटर की खेती मिली। आप ये देखिए, ये बंद गोभी की खेती मिल गई। ये ना घर के आसपास इनकी जमीन होती है, उस पर ये अपने सीजन के हिसाब से वेजिटेबल लगा लेते हैं। वाह, कितना अच्छा है ना, घर की सब्जी भी मिल गई और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी कितना अच्छा है। यहाँ पर भी टमाटर मिल गए, मेरा तो दिल कर रहा है तोड़ने को। वाह, सैलड में खाएंगे। ये देखिए, ये बंद गोभी की खेती दूर तक फैली हुई है, पूरा इतना बड़ा एरिया है। और साथ में व्यू देखिए कितना अच्छा बन रहा है। ये देखिए, इन्होंने टमाटर के साथ मक्की भी लगाई हुई है। ये व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है, और नीचे ये कार्नेशन फ्लावर की खेती है। अब आपको ले चलते हैं वहाँ कार्नेशन फ्लावर की खेती में। चलिए हम देखते हैं यहाँ के कार्नेशन फ्लावर की खेती। वैसे तो मैंने आपको पिछले ब्लॉक में पूरा फॉर्म दिखाया था कार्नेशन फ्लावर का, पर यहाँ भी देखते हैं कैसे हैं। ये देखिए, ये न्यू प्लांटेशन है कार्निश की, ये भी इनमें फ्लावर आने हैं। ये पूरी खेती ये कार्निशन फ्लावर की है। ये कार्निशन फ्लावर की खेती जो ये अंजना शर्मा जी है, ये आपको बताएंगे। मैम, ये कैसे ये फ्लावर की खेती, कहते बहुत महंगी होती है। हाँ जी मैम, ये बहुत महंगी होती है। ये पहले तो जिस टाइम हमने ये फूल लिया था तो वो 10 रुपए का था, लेकिन मैम जो हमने नया फूल अभी लगाया है वो 13 रुपए में एक कप मिलता है इसका। अच्छा, ये क्या खासियत है, क्यों महंगा होता है इतना? ये मैम जैसे शादी या कोई अच्छा ओकेजन हो तो वहाँ पे ये फूल लगता है बहुत ज्यादा, और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी होती है, ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। हाँ, नहीं वो तो देख ही रहे हैं हम, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू अंजना जी, आपने इसके बारे में हमें बताया, बहुत ब्यूटीफुल है आपकी ये खेती, हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद मैम। कोई लोग ऐसे आगे और करना चाहे खेती किसान, तो ये आगे उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू मैम। यहाँ जो खेती है की हुई है वो छोटे फार्म है, अपने एरिया के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है। जो मैंने पिछले ब्लॉक में दिखाया था वहाँ तो काफ़ी एरिया था,
बड़े बड़े फॉर्म थे और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये भी। हम बाहर आ गए हैं, व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चैल का टूर तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, ये गिफ्ट दिए हैं इन लोगों ने भी, ये कार्नेशन फ्लावर, थैंक्स, इनकी यादें भी मैं साथ लेके जा रही हूँ। ये पीछे व्यू देखिए, चलिए हम वापस चलते हैं इस विलेज को और एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। हिमाचल में ना आपको घरों के बाहर आंगन में या बाहर के एरिया में कई तरह के फूल की सजावट आपको मिलेगी, ये काफी अच्छे लगते हैं। ये देखिए यहाँ तो बच्चों ने पेड़ों पर ही स्विंग बना दी है, यहाँ बच्चे स्विंग करते करते पूरा नेचर का भी एंजॉय करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा इनको। अब क्यों ना थोड़ी सी रेस्ट करके चाय पी जाए और साथ में मैगी खाई जाए, हिमाचल में मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। ये हमारे होटल के साथ ही हमें गांव दिखाई दिया, हमने सोचा क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए, चलिए देखते हैं क्या है। ये लो सबसे पहले तो ये हमें छोटा सा पप्पी मिल गया, वाह हेलो, अरे ये मुझे हेलो हेलो, अब ये जाने नहीं दे रहा, अब इसको घर छोड़ के आना पड़ेगा, ये तो हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। ये रास्ते में हमें बच्चे मिले थे, इस टाइम स्कूल से आए थे पढ़ के, तो हमने इसको इनको पूछा कि इस गांव का नाम क्या है। इस गांव का नाम आंटी कानू है, छोटा सा गांव है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा। और ये यही रहते हैं हम पास में, ये हमारा घर है, वो पीछे वाला भी हमारा घर है, सामने वाला भी हमारा घर है। अच्छा आप तो बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो। हाँ आंटी, ये घर ऐसे होते हैं मतलब बाहर से ऐसे, अंदर से ये मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए सर्दियों में मतलब इसमें ज्यादा ठंड नहीं होती है। अच्छा। और गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं होती है। अच्छा। ये हमारे खेत है और अभी मतलब जस्ट टमाटर का सीजन खत्म हुआ, इसमें टमाटर थे और वो पीछे बंद गोभी लगाई है, वो मटर है पर वो पूरी घास में डूब चुकी है, इसे दिखाई दे रही, और नीचे लहसुन लगाए हैं। ओके ओके ठीक है बेटा। साक्षी तो हमें अपने घर ही ले आई, कहती है हम आपको घर दिखाते हैं। ये बड़ा ट्रेडिशनल सा लग रहा है, ये क्या है आंटी? ये भी घर ही है ना, मतलब पहले की तो जैसे बर्फ पड़ती है ना, तो पहले मतलब अब तो क्या बोलते हैं जैसे पेड़ वगैरह कटते हैं तो ज्यादा पड़ती नहीं है बर्फ, पर पहले के पहले बहुत बर्फ पड़ती थी, मतलब ऐसे सुरंग वगैरह बना के बाहर निकलते थे ना, मतलब उस टाइप से बनाए हैं, अंदर से मिट्टी के घर है। देख सकते हैं अंदर? जी बिल्कुल, चलो आइए हम देखते हैं कैसे होते थे पहले। अब हम घर में एंटर हो गए, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये साक्षी आपको बताएगी यहाँ का। आंटी जो ये इस घर की मतलब वॉल्स है ये मिट्टी से बनी है, और जो ये इसमें मतलब लकड़ी की सीलिंग है, ताकि हमारे यहाँ ठंड बहुत होती है ना, इसलिए ताकि लकड़ी मतलब हीट देती है, इसलिए ज्यादा ठंड ना लगे, इसलिए लकड़ी की होती है। और मिट्टी भी मतलब ऐसी होती है कि सर्दियों में ज्यादा ठंडी नहीं होती है और गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होती है, और ये ऐसे ही पड़ा है, मतलब जस्ट अभी क्या बोलते ये मक्की पड़ी है ना, मक्की की खेती हुई थी ना, तो फिर अब मतलब उसको तोड़ते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, ये अंदर स्टोर करके रखी है, फिर सर्दियों में चक्की वगैरह में इसका आटा पीसते हैं, मतलब गेहूं के आटे से महंगा होता है इसका आटा। अच्छा ठीक है,
साक्षी ये मुझे खट्टे लग रहे हैं, इसकी चटनी क्या बनती है, क्या है ये? हाँ जी आंटी, ये खट्टा है ना, मतलब इसको गलगल बोलते हैं, जैसे मौसमी होता है ना, मतलब नींबू की तरह होता है, बस साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसका अचार भी बनता है, मतलब मिलता भी है मार्केट में, और चटनी वगैरह सब बनती है, मतलब खट्टा वगैरह बनता है। और वो सामने खुमानी के पेड़ है, ये आड़ू के पेड़ है, और ये जो बड़ा सा पेड़ है, मतलब ये हमारे कल्चर के हिसाब से जो हमारे होते हैं ना देवता जी वगैरह, ये उनका पेड़ है, मतलब बहुत पुराना है, मतलब मेरे पापा के पापा के पापा के बहुत टाइम से पहले। और सामने देवदार के पेड़ है। ये साक्षी की इधर भी खेती है, ये सारी उधर देवदार के पेड़ देखिए। अंकल ये छत है, मतलब ये ऐसे होती है ना, स्लोप में होती है, तो फिर जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी होता है वो सीधा ऐसे आता है, तो इस पाइप के थ्रू मतलब सीधा उसमें जाता है, तो जिससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो फिर गर्मियों में हमारे को मतलब बारिश होती है तो सिंचाई करने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती, खुद का पानी हो जाता है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अंकल वो हमारे पुराने घर थे, और ये हमारे वो वाले घर है जिसमें हम अभी स्टे करते हैं, तो अब दिखाते हैं आपको नेचर का व्यू, बहुत सुंदर है यहाँ से। चलिए देखते हैं रूप में क्या है। वाह, ये सीढ़ियाँ है आंटी, और ये हमारा प्यारा सा डॉगी है इसका। ये साक्षी के छत पे आके तो हमारा ये होटल भी नजर आ रहा है, फन हिल रिजॉर्ट। कई बार आए हैं लेकिन हम इस साइड कभी नहीं आए। अच्छा व्यू नजर आ रहा है ऊपर, वो देखिए काली का टिब्बा भी है नजर आ रहा। अगर टाइम मिला तो हम इसका भी जरूर टूर करेंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। इनकी छत से ये देखो चूरदार की पहाड़ियां भी नजर आ रही है। अभी भी वहां पर कहते बर्फ पड़ी हुई है, स्नो है वहां पे। आंटी ये हमारे शेड से, मतलब जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में उबरे कहते हैं। और ये मतलब हमने गाय पाली हुई है, इनसे मतलब जो दूध आता है उसको हम बेचते हैं जहाँ पे आप रह रहे हो उसी होटल में। और ये गाय है, और ये इसका बच्चा छोटा। साक्षी शर्मा का हम थैंक्स करते हैं कि इन्होंने हमें काफी कुछ बताया, यहाँ का ट्रेडिशन भी, और काफी कुछ यहाँ के बारे में बताया। थैंक यू साक्षी जी। इट्स ओके आंटी। ये बच्चे भी मिले थे हमें इस टाइम स्कूल से आते। कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। और आपका? मेरा नाम क्लास में। अच्छा, और इस टाइम अंधेरा नहीं हो जाता? बस इतनी बजी होती छुट्टी, बस पैदल चल रहे थे कभी बार बस पे। हाँ, तभी सब आपका हेल्थ ठीक है, पैदल ही जाना पैदल ही आना है ना। कितने डिस्टेंस पे आपका स्कूल? 4 किलोमीटर। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, और आना कभी। अब बाय बाय करने का टाइम आ गया। मुझे बहुत अच्छा है लगा इन बच्चों को मिलकर। इन्हीं बच्चों के साथ आज का मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।